हजारीबाग के सुरेश कॉलोनी गिरजा नगर निवासी उत्कर्ष कुमार ने यूपीएससी परीक्षा में 55वां रैंक हासिल किया है। उत्कर्ष की सफलता के बाद से परिवार में खुशी का माहौल है। डीवी हजारीबाग से 10वीं तक पढ़ाई करने वाले उत्कर्ष शुरू से ही प्रतिभाशाली रहे हैं। 2013 में आईआईटी में उन्होंने 5वां रैंक हासिल किया था। एक साल तक बेंगलुरु में गोल्डमैन कंपनी में 29 लाख रुपए के पैकेज पर नौकरी की। फिर 2019 में नौकरी छोड़ यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। उत्कर्ष के पिता महेश कुमार वर्णवाल जूनियर इंजीनियर हैं और माँ जिला स्कूल में शिक्षिका हैं। हजारीबाग के उत्कर्ष ने यह साबित कर दिखाया है कि इंसान अगर कोई सपना देखे और उसे पूरा करने की कोशिश करे तो सफलता उसके कदम चूमती है। सुरेश कॉलोनी के गिरजा नगर में रहने वाले उत्कर्ष की माँ सुषमा वर्णवाल शिक्षिका हैं, जबकि पिता महेश कुमार पीडब्ल्यू में इंजीनियर हैं। उत्कर्ष की प्रारंभिक शिक्षा डीवी पब्लिक स्कूल में हुई है। इसके बाद उन्होंने उच्चतर शिक्षा कोटा से प्राप्त किया और फिर आईआईटी जैसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल की। उत्कर्ष यहीं नहीं रुके, 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद यूपीएससी में 55वां रैंक लाकर आखिरकार उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। आईआईटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद उत्कर्ष मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे। सालाना उन्हें बड़ा पैकेज भी मिल रहा था, लेकिन देश सेवा की चाहत में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। पहले अटेम्प्ट में ही वे असफल रहे, लेकिन दूसरी बार उन्होंने इतिहास रच दिया। यूपीएससी क्रैक करने वाले उत्कर्ष ने अपनी सफलता का राज बताया है। उन्होंने कहा है कि लाइफ में कभी भी शॉर्टकट नहीं होता है, गोल बनाकर मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। उत्कर्ष का यह भी कहना है कि दोस्ती हमेशा अच्छे लोगों से ही की जानी चाहिए। उन्होंने अपनी सफलता के लिए अपने दोस्तों, शिक्षकों और परिवार का आभार जताया। उनका यह भी कहना है कि छात्रों को खुद को जज करने की जरूरत नहीं है कि वह क्या कर सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपने नजरिए को सबके सामने रखा। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया के 2 स्वरूप हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। ऐसे में हर एक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि वह अच्छाई को अपनाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वे खुद सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखे। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।